स्वागत है आपका। बात करें राजस्थान में अब तक हुए मुख्यमंत्रियों की, बात करें देखें तो आपकी स्क्रीन पर बात करेंगे सब अब तक राजस्थान में हुए मुख्यमंत्री, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है यहाँ से अगले एग्जाम के में देखिएगा। हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। सी एस वेंकटाचारी 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। फिर जयनारायण व्यास की बात करें 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक। टीकाराम पालीवाल की बात करें उसके बाद 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। फिर बात करें जयनारायण व्यास की तो 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक, ठीक है। फिर मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक, ठीक है। उसके बाद बात करें मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं आपके फिर से 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक। फिर मोहनलाल सुखाड़िया 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967। फिर इसी के बीच में राष्ट्रपति शासन लग जाता है 13 मार्च 1967 से 26 मार्च 1967 में, ठीक है। फिर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनती है 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक। फिर बरकतुल्ला खान बनते हैं 9 जुलाई 1971 से 11 अगस्त 1973 तक। फिर हरदेव जोशी बनते हैं 11 अगस्त 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और 19 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। फिर भैरव सिंह शेखावत बनते हैं 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 तक। फिर जगन्नाथ पहाड़िया जी बनते हैं 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक। फिर शिवचरण माथुर आते हैं 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक। फिर हीरालाल देवपुर आते हैं, ठीक है, 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। फिर हरदेव जोशी 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक। फिर शिवचरण माथुर साहब आते हैं 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक। फिर हरदेव जोशी आते हैं 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक। फिर भैरव सिंह शेखावत साहब आते हैं 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक, ठीक है। फिर 15 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति शासन लग जाता है 4 दिसंबर 1993 तक। फिर भैरव सिंह शेखावत साहब आते हैं फिर 4 दिसंबर 1993 से 29 नवंबर 1998 तक, ठीक है। और फिर अशोक गहलोत बनते हैं पहली बार फर्स्ट टर्म 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया बनती है 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक। और फिर अशोक गहलोत फिर से बनते हैं सेकंड टर्म में 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक, ठीक है ना। वसुंधरा राजे सिंधिया 13 दिसंबर 2013 से 12 दिसंबर 2018 तक बनती है। उसके बाद अशोक गहलोत बनते हैं 17 दिसंबर 2018 से आपके वापस जो है दिसंबर 2023 तक ये रहे, ठीक है। दिसंबर में याद रखिएगा आपके 15 दिसंबर को भजन लाल जी शर्मा जो बने सीएम, इन्होंने शपथ ली थी 15 दिसंबर को, ठीक है। हालांकि इस्तीफा 3 दिसंबर को ही जो है आपके दे दिया था, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये थे अब तक के, और अभी भजन लाल जी शर्मा हैं आपके दिसंबर 2023 से बन चुके हैं, ठीक है। दिसंबर 2023 से आपके सीएम जो हैं वो भजन लाल जी शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।